हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण राधे राधे। आज मैं आपके लिए ये वाली ड्रेस लेके आई हूँ जो दो रंगों से बनाएंगे हम। ये मैंने स्टोन वैसे लगा के बना दिए, सेम डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आइए इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखने में जितना सिंपल है उतना ही बहुत प्यारा है। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हमें लाल रंग का धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए, इसमें या तो हम ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं, ये यहाँ से उठाने के करेंगे। ऐसे उठा लिया, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे हम। ये देखिए, ऐसे ज्वाइन करा मैंने इसके पीछे खींचते हुए। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे करना है पहले तीन की चैन लेंगे, एक दो तीन चार। ध्यान दीजिएगा, चार की चैन लेने के बाद हमने क्या करना है, बीच में एक एक दो दो स्किप करके थर्ड वाले में स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। फिर एक दो तीन, तीन की चैन लेंगे, तीन चार, चार की चैन ली, एक दो थर्ड वाले में स्लिप स्टिच, ठीक है। फिर एक दो तीन चार, एक दो थर्ड वाले में स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार, एक दो तीन थर्ड वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। चार की चैन बनाएंगे, दो को स्किप करेंगे, एक दो तीन चार, एक दो दो को स्किप करके थर्ड वाले में स्लिप स्टिच, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो छोड़ के थर्ड वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक दो तीन चार, थर्ड वाले में स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार, ठीक है, थर्ड वाले में स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार। ये हो गया, मैं लास्ट राउंड में आ गए। इसको हम पीछे करते फिनिशिंग देते हुए, थर्ड वाले में यहाँ पे इसलिए थर्ड नहीं बचा तो इस वाले में से ये स्लिप स्टिच हो गया, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे फंदे के साथ जो हमने उठाया था, ठीक है। अब हमें ये देखिए ऐसे आ गया, अभी समझ नहीं आएगा। एक एक की चैन बनेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हुक डालेंगे एक, मैं तीनों को इकट्ठा निकाल दें, एक हो गया। फिर एक बार डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार पाँच छः सात, ये हो गया आठ डबल क्रोशिया हो गया। अब इसको ऐसे उठाएंगे और नौवे वाले को हम इसमें से ऐसे तीनों को इकट्ठे निकाल लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया। ये मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको टाइट करते हुए। फिर नेक्स्ट वाले में ही देखिए, जो हमने चार की चैन बनाई थी, दो का एक, ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया। फिर एक बार एक डबल क्रोशिया, इसी के ऊपर आठ बार डबल क्रोशिया करेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, ये हो गया आठ, आठ बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी के अंदर से हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से लंप्स नहीं बन रही है मेरी। फिर नेक्स्ट जो चैन की चैन बनाई थी, इसी के पास हाफ डबल क्रोशिया, फिर आठ बार डबल क्रोशिया, दो तीन चार पाँच छ सात या आठ, ठीक है, इसी के अंदर से हाफ वाला डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये कुछ मेरा इस तरीके से, अभी पता नहीं लगेगा आपको, ये कुछ इस तरीके से डिजाइन आएगा मेरा। इसको मैं आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा कुछ राउंड इस तरीके से आ गया, इस तरीके से बनेगी, लफनी बन गई है मेरी पूरी, ठीक है। अब हमने ये वाला कलर साइड कर लेना है अपना, और ये वाला ज्वाइन करेंगे इसमें। इसको ऐसे स्लिप स्टिच नहीं करा, सॉरी, हाँ ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे हम। जय श्री कृष्ण राधे राधे, बोलो राधे राधे। इसको अब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे इसी के साथ, अब हमने क्या करना है, इस धागे को हमने पीछे कर लेना है और इसको आगे लेते हुए एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में से एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया,
हर एक में से एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, हर एक में से एक एक बार डबल क्रोशिया करके, ठीक है। और ये हमारा था इसी के ऊपर ऐसे जहाँ पे कुंडा था स्लिप स्टिच, ठीक है। फिर इसके ऊपर से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे पहले, फिर एक के ऊपर एक बार फुल क्रोशिया, दो तीन चार पाँच छः सात और देखिए आठ, हाफ के ऊपर हाफ बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार हाफ क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार फुल क्रोशिया, फिर फुल क्रोशिया, फुल क्रोशिया, फुल क्रोशिया, फुल, फुल के ऊपर फुल करना है हमें। और जब हम लास्ट में आएंगे, ये देखिए इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से राउंड बनेगा ये, ठीक है। ये राउंड में आपको कंप्लीट, ये देखिए अब हमने क्या करना है, ये देखिए ऐसे एक दो तीन चार पाँच, पाँच करके इसको ऐसे सॉरी और ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए तीन बन गए मेरे, चार बनाएंगे, फिर पहले एक दो तीन चार, ये हो गया पाँच, पाँच हो गए, एक फिर एक, चार बार बनाने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो नेक्स्ट वाला, ये वाला जो हमने आठ बनाए थे, आठ के ऊपर से एक एक, फिर इसके ऊपर से दो तीन पव बनाने में तीन चार, एक करके फिर ऐसे एक हो गया, फिर से इसके ऊपर से एक, फिर इसके ऊपर से दो तीन, ये हो गया चार, ठीक है। एक फिर एक, फिर दो की चेन एक दो, ठीक है। इसी के ऊपर से हमें चार बार पफ बनाने हैं अपने पफ, एक दो तीन चार, चार हो गया ऐसे निकालेंगे और ऐसे तीन हो गए, एक की चेन एक दो तीन, ये हो गए चार पफ बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है मेरा ये डिजाइन, ये वाला। फिर इसका कुंडा उठाएंगे हम, ये देखिए इसका हमें कुछ नहीं करना, जो आठ बनाया था आठ के ऊपर पफ स्टिक बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार को ई कर देंगे, एक की चैन, इसी के अंदर से चार बार बनाएंगे पफ, एक दो तीन चार, चार हो गए, एक फिर एक, एक की चैन, फिर इसके अंदर से एक दो तीन, ये देखिए चार, चार हो गए इकट्ठा, एक की चैन तीन हो गए, एक दो तीन चार, चार हो गए चार का एक, ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा राउंड कंप्लीट होएगा। ये देखिए कुछ मेरा राउंड इस कंप्लीट इस तरीके से आ गया है ये। अभी इसको हम रेड वाले को धागे नीचे छोड़ देंगे हम ऐसे, और इसको कटिंग कर लेंगे रेड वाले से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए चैन बनाएंगे सूखे से हुए, ऐसे किससे भी लेंगे, एक दो तीन, तीन की चैन लेने के बाद हमें क्या करना है, देखिए हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक हर कुंडे के ऊपर एक 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 बार डबल क्रोशिया। अगर आपको टाइट लगे तो बीच में आप जरूर बढ़ाइएगा, दो तीन चार पाँच छ, ये देखिए इस तरीके से हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। वैसे तो झोल आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो बीच में एक एक में से बीच वाली लाइन में हम दिखाती हूँ मैं आपको, हर एक में से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, ये
दीजिए। जो बीच में इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, अगर आपको टाइट लगता है तो। ठीक है, एक डबल क्रोशिया हर एक के ऊपर, ऐसे करके हम अपनी दो लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से होएगी, ये दो लाइन कंप्लीट कर लेंगे, एक दो। ठीक है, ये देखिए अब हमें ऐसे क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः की चैन ले ली है। ठीक है, एक दो तीन, तीन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में चौथे वाले में स्लिप स्टिच, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः के एक दो तीन, तीसरे वाले में स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गई, एक दो तीन, तीसरे वाले में स्लिप स्टिच, एक दो तीन, तीन चार पाँच छः, छः हो गई, तीसरे वाले में फिर से स्लिप स्टिच, ये जाली वाला डिजाइन बनेगा मेरा, एक एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया, तो तीसरे वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, तीसरे वाले में फिर से स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः, तीसरे वाले में स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे करके हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, सेकंड राउंड भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः कर लिया, इसी के ऊपर एक बार जो छः की बैंड बनाई थी, एक दो तीन चार पाँच छः, इसके बीच में से एक दो तीन चार पाँच छः, बीच में से एक दो तीन चार पाँच छः, बीच में से स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे बीच में जाके स्लिप स्टिच। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरी जाली आती जा रही है ये। ठीक है, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः, राधे राधे, एक दो तीन चार पाँच छः स्लिप स्टिच। ये देखिए इस तरीके से मैं सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ये अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। कितनी प्यारी मेरी चैन आ रही है ये। ठीक है, देखिए जाली बन गई है मेरी, इसको अब हमने क्या करना है, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः करने के बाद इसके अंदर स्लिप स्टिच पहले करें। ये मेरी सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई है, ये मैं लास्ट में करके दिखा रही हूँ सेकंड लाइन की। ये देखिए तीन चार पाँच छः, छः हो गया, फिर इसके अंदर से फिर से स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः, बीच में चला के फिर से स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर बीच में स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच। लास्ट में आगे देखिए आने वाले हम, ये देखिए मेरा राउंड इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे हम चार राउंड बना लेंगे। ये कुछ मेरा जाली वाला राउंड इस तरीके से आ गया है।
ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, देखिए मेरे 5 नंबर की कान्हा जी की है बनाने को, हम इसको थोड़ी सी और बना लेंगे 6 नंबर के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने 2 राउंड लिए हैं तो हम 3 राउंड लेंगे, 1 2 3 जाली वाले 3 राउंड लिए, तो इसको 5 भी कर सकते हैं हम, 4 भी कर सकते हैं, जितना आपको इतनी बड़ी करनी है आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मेरे कान्हा जी के साइज से ही आएगा क्योंकि आगे हमें और डिजाइन बनाना है इसमें। इसको देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके स्लिप स्टिच करके इसको ऐसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 3 बनाने के बाद जो हमने देखिए पहले चैन बनाई थी इस वाली चैन के ऊपर, ये बीच में से ऐसे लेके बीच वाला इसी के अंदर से 1, इसी के अंदर से 2, इसी के अंदर से 3, 3 बार पफ बनाने में और तीनों को इकट्ठे निकालने, एक पफ हो गया एक ही चैन, ठीक है। 2 3 3 बार पफ हो गया, इसी के अंदर से फिर हम एक बार बोलेंगे 1 2 ये देखिए 3 3 हो गया, 4 4 बार पफ बनाया हमने ऐसे, फिर निकाल दिए, 2 का पफ हो गया मेरा, फिर 1 2 3 3 की चैन ली हमने, इसी के अंदर से फिर से 1 2 3 4 4 पफ बनाना है और ये हो गया हमारा पफ, 3 बार हो गया हमारा। इसी के अंदर से 5 बार लेंगे, 1 2 3 सॉरी 4 4 हो गया, देखिए हमने 4 पफ बनाए, 1 2 3 4। अब इसी के अंदर से हम एक बार और पफ बनाएंगे, 1 2 3 ये हो गया मेरा 4 4 हो गया, इकट्ठा निकालेंगे हम, ये हो गया मेरा एक और पफ, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे आ जाए कुछ, मेरे 5 बना लिए मैंने, 1 2 3 4 5 एक ही अंदर मैंने 5 बार पफ बनाए हैं। अब हमने क्या करना है, 1 2 2 की चैन लेंगे, ये जो हमने यहाँ पे ये चैन ली थी इसी के अंदर से जाके ऐसे करके यूँ स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच हो गया, एक की चैन लेंगे और जो इधर वाला है इसी के अंदर से 1 2 3 4 4 बार पफ लिया ऐसे, फिर एक निकाल देंगे एक की चैन, फिर इसके अंदर से 1 2 3 4 4 बार पफ लिया निकाल देंगे एक की चैन, फिर इसके अंदर से 1 2 3 4 3 पफ हो गए, इसके अंदर से 1 2 3 4 हो गया, एक की चैन, इसके अंदर से 1 2 3 4। चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको और चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसका हम उधेड़ देंगे। ये देखिए ऐसे ही लेंगे हम, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले एक को हमें स्लिप स्टिच करना है, नेक्स्ट वाले में से ये बीच में से ऐसे उठाएंगे, 2 1 2 3 इसके अंदर से 4, एक पफ बन गया, एक की चैन, फिर इसके अंदर से 1 2 3 4, फिर इसके अंदर से एक की चैन, 1 2 3 4 एक की चैन, इसी के अंदर से 1 2 3 4 फिर से एक की चैन, फिर इसके अंदर से 1 2 3 4 एक की चैन, ठीक है। फिर इस वाले में से जाके हमने दोबारा से स्लिप स्टिच कर दिया, फिर नेक्स्ट वाले में से देखिए सॉरी ये 2 को उठाएंगे, 1 2 3 ये हो गया 4 4 का
पफ बन गया। फिर इसी के अंदर से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसी के अंदर से एक दो तीन चार, मतलब एक ही उसमें से हमने पांच बार पफ बनाना है। फिर इसी के अंदर से एक ये टाइट हो जाता है क्योंकि छोटा सा होता है, इसमें से हमें पांच बार बनाना है। एक दो तीन, ये हो गया चार, एक की चार, देखिए चार हो गए मेरे। इसी के अंदर से एक बार और, एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के आएगा, मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ मेरा राउंड इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने नोट लगा लिया है इधर, फिर मैं लास्ट में आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए इनसे एक, जिससे दो, इसके अंदर से तीन, तीन बड़े पर स्लिप स्टिच, एक की चैन, फिर इसके अंदर से एक, इसके अंदर से दो, इसके अंदर से तीन, एक की चैन, फिर इसके अंदर से एक दो तीन स्लिप स्टिच, एक दो तीन, मैं टोटल एक में से पांच बार बनाना है। एक चार हो गया, फिर इसी में से एक दो तीन को ऐसे कर लेंगे। आप यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ये मैं देखिए राउंड कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये देखने में बहुत प्यारी डिजाइन ड्रेस लग रही है, ये देखो। अगर आप इसको जितना भी बड़ा बनाना चाहें जी घेरे के साथ उतना बना लीजिएगा, मैंने इतना कर लिया है। ये देखिए इसका अब हम यहाँ पे जाके इसको ऐसे करके इसको हम यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे, और इसको पीछे देखिए यहाँ से ऐसे पीछे लेते जाएंगे, क्योंकि अगर बीच में से हम काटते हैं तो ये बाद में धागा खुल जाता है। ये देखो ये धागे को पीछे से ले जाते हुए पीछे की साइड जाके इसको कटिंग कर लेंगे, हम ऐसे फिनिशिंग देते हुए पूरी। ये देखिए कुछ ये मेरा राउंड इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब इसके हम आगे की वो बाउंड्री बनाएंगे। देखो आगे के फ्रंट पेज फ्रंट के लिए बाउंड्री बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे इसको और ऐसे हुक डालेंगे और इसमें ऐसे करके ले लेंगे, ऐसे नॉट लगा लेंगे। ये देखिए अब इसको हम ऐसे पकड़ते हुए इसी के अंदर से एक बार हाफ़ करोशिया, नेक्स्ट वाले में से भी हाफ़ करोशिया। ये देखिए हर हुक में से हमें हाफ़ करोशिया, और जहाँ पे हमें फुल कर देखिए ये दीजिएगा, एक दो जगह हमें एक में से दो दो बार डबल हाफ़ करोशिया भी करना है। एक इसी के अंदर से एक बार और हाफ़, क्योंकि जिसे हमारे यहाँ खिंचाव नहीं आता फ्रंट वाले में, हमने कई बार हमने एक में से दो दो बार हाफ़ क्रोशिया करना है। ये देखिए मोड़ाई गोलाई पे हम दो बार हाफ़ क्रोशिया कर लेंगे, ये मेरी मोड़ाई आ गई। फिर जो हमारे पीछे का इसी के अंदर से ऐसे डालते हुए ऐसे निकाल लेंगे, फिर ऐसे ये देखिए हमारे कान्हा जी की चोली की बाउंड्री बना रहे हैं हम ऐसे, मतलब हर एक के अंदर। अब हमें फ्रंट वाले में बढ़ाना है, बैक में हमें कंधे वाली साइड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। हर एक चावल में से एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, पतली पतली बाउंड्री बनाएंगे हम, जिसे कान्हा जी की चोली की ड्रेस और भी ज़्यादा सुंदर लगती है, ये प्लेन प्लेन नहीं लगती। फिर राधे राधे, ठीक है। ऐसे हर एक में से
एक एक बार करके ये अपनी बाउंड्री कंप्लीट करेंगे हम कान्हा जी की ड्रेस की। ये देखिए मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे बनाते हुए हम लेके आएंगे इसको। इसका हम चोली के साथ ऐसे निकालते हुए ये जाली वाली ड्रेस है, बहुत सुंदर है ये। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही पहनाने के बाद कान्हा जी को बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए इसको ऐसे बनाते हुए ये अपनी पूरी हो गई मेरी चोली होने वाली है। ये बैक वाला पीछे का पूरा कर लिया मैंने। अब जैसे मैंने आपको आगे वाला बताया था, इसी के अंदर से हम पहले तीन बार करेंगे। एक गोलाई देने के लिए, दो, अगर इसमें से हमें एक बार ले लेते हैं तो गोलाई हमारी खिंची खिंची रहती है। इस वाले में से एक बार करेंगे पहले। ये देखिए बड़ा चावल है तो फिर इसी में से हम दो बार डबल क्रोशिया हाफ क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाले में से भी हाफ में से हाफ क्रोशिया दो बार, इसे हमारी चोली है ना खिंचाव नहीं पड़ती है। अगर हम छोटा एक एक ही लेंगे तो चोली में हमारे खिंचाव आएगा। ये देखिए ये यहाँ पे भी एक दो दो बार हाफ हो गया। अभी मैं लास्ट में आ गई हूँ। ये देखिए कुछ मेरी चोली इस तरीके से बन गई, ये मेरी बाउंड्री बन गई पूरी। अब इस धागे को हम यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे। कट करते इसको साइड करेंगे और इसको हमने देखिए यहाँ पे ऐसे क्या करना है, हमने इसको ऐसे ले जाके ऐसे इसको हम ऐसे नॉट लगा लेंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारी ड्रेस खुलेगी नहीं और ना ही कभी फैलेगी। इसको ऐसे हम नॉट लगा लेंगे, ये नॉट लग गई मेरी। और ये देखिए इस धागे को हम इसमें से कहीं से भी लाल में से ही लेके नीचे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये छुप जाती है हमारी। ये देखिए कुछ मेरी ड्रेस इस तरीके से बन गई है। अभी इसको आप देखिए, मैंने ऐसे ही गोटे वाले पैचेस लेके आई हूँ। मैं इस तरीके से डेकोरेट करूँगी। आप इसको जैसे मर्जी जैसे हाथ से मैं देखिए इसको ऐसे लगा लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम ग्लू गन से इसको चिपका लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको लगाते हुए कुछ भी लगाना चाहे। मैंने पैचेस लगाए, मुझे पैचेस बहुत सुंदर लग रहे थे, ये गोटे पट्टी में मिले थे मुझे। ये देखिए कुछ इस तरीके ये डिजाइन बनेगा मेरा। ये हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके लिए कान्हा जी की बहुत ही सुंदर दो रंगों से डिजाइन की ड्रेस लेके आई हूँ, जिसके ऊपर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और मैंने इसके ऊपर दो चार पाँच तरह के फ्लावर बनाए हैं, लगाए हैं। ये बाज़ार से लेके आई हूँ मैं। आप खुद बनाना चाहें तो खुद बना के भी लगा सकते हैं। अब मैं ये मेरे 5 से 6 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है। अगर आप इसको जितना भी बड़ा करना चाहें तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दो चावल ली है, दो बनाई है, इसके बाद हमने ये तीन की चेन बनाई है, तीन की जाली बनाई है। ये डिजाइन इसी को आप थोड़ा थोड़ा बना के ये तीन कर सकते हैं, इसको चार कर सकते हैं, चार के बाद ये डिजाइन बना सकते हैं, इसको फूलों को लगा सकते हैं। अब जैसे और हमें हैवी करना है तो इसके लिए हम दो चार बीच में स्टोल लगा लेंगे। देखिए अगर इसको हमें हैवी करना चाहें, देखिए बीच में ऐसे कर करके हम ऐसे स्टोन लगा लेंगे, जिससे ये हमारी हैवी लुक हो जाएगी और देखने में बहुत सुंदर डिजाइन बना हुआ है ये। ये देखिए ऐसे हम इस पर ऐसे यहाँ पे सजा लेंगे।
जैसे भी आप इसको डेकोरेट करना चाहे, मैंने इसके हर उसमें बीच में एक एक स्टोन वाले वो लगा लिए, देखिए इसको ऐसे सजाते हुए। फेविकोल से फेविगन, जैसे फेविगन नहीं हो आपके पास, ग्लू गन ना हो तो फेवी स्टिक से, किसी से भी आप फेविकोल से फेवी स्टिक से चिपका सकते हैं। ये किसी भी स्टेशनरी पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे चिपकाते हुए इनको। आप इसके अंदर भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अभी ये पक्के नहीं हुए इसलिए उतरने लग रहे हैं ये। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके पूरी ड्रेस ही कंप्लीट कर लेंगे। कुछ ही मेरी ड्रेस इस तरीके से बन गई है। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए इसका हम बनाना स्टार्ट करते हैं।